गाइज, मेरा नाम है रयान। आप सभी का स्वागत है चटपट टॉय टीवी की नई वीडियो में। जैसे कि गाइज आप लोगों को पता होगा, लास्ट टाइम जब मैं X01 को चला रहा था, इसका पीछे का एक पार्ट टूट गया था, तो तब से X01 प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही थी। मेरे पास ट्रैक्सस X01 का नया पार्ट भी आ चुका है, तो उसको अब इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए ये सारे स्क्रूज को खोलना पड़ता है, सस्पेंशन को बाहर निकालना पड़ता है। ये रहा नया वाला पार्ट, इसको बोलते हैं सस्पेंशन आर्म। ये सस्पेंशन को और टायर को एक साथ जोड़ के रखता है। तो ये सस्पेंशन मैंने इसके अंदर से निकाल लिया है। ये पुराना वाला पार्ट है जो कि यहां से कंप्लीटली टूट चुका है। इनके बीच में एक रॉड होती है, ये नया वाला है। आप देख सकते हो ये काफी ज्यादा महंगा मिला है यार मेरे को। तो चलो गाइस फटाफट से ये नया वाला जो है इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। सस्पेंशन आर्म को लगाने का प्रोसेस काफी ज्यादा इजी था, मैंने फटाफट तरीके से इसके अंदर कर दिया है। एक्समैक्स को भी जब मैं पिछली बार चला रहा था, एक्समैक्स का ESC पूरी तरीके से जल गया था और इसके अंदर बहुत बड़ी आग लग गई थी। वो वीडियो देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हो। अब ये एक्समैक्स का पुराना वाला ESC है, जब मैंने इसको खोल के देखा तो यार मेरा तो दिमाग चकरा गया था पूरी तरीके से, क्योंकि गाइस ये कंप्लीटली जल चुका था। यहाँ पे जो ब्लैक पैचेस आपको नजर आ रहे हैं ना, ये इसके जलने के निशान है। इस तरफ तो देखो इसकी पूरी की पूरी सर्किट ही जल चुकी थी। अब ये किसी काम का रहा नहीं, इसका फैन तक जल गया था पूरी तरीके से। फिर मैंने इसके अंदर नया वाला ESC भी इंस्टॉल कर दिया है। अब यहाँ पे सिर्फ मेरे को कनेक्शन देना बाकी रह गया है। फटाफट तरीके से कनेक्शन दे देते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर उसका CPU हार्ट होता है, उसी तरीके से RC कार के अंदर उसका ESC हार्ट माना जाता है, क्योंकि यहीं से ही सारी चीजें कंट्रोल होती है RC कार के अंदर। इसका ESC मेरे को मिला है 20,000 रुपीस में। बहुत बड़ा खर्चा हुआ है गाइस मेरे को ये बनाने में और X01 को रिपेयर करने में। साथ में देखो यार, मैंने नई वाली बैटरीज भी ले ली है। आज पता चलेगा गाइस एक्समैक्स सबसे ज्यादा तेज है या फिर X01। ये देखो 5300 mAh की 30C वाली बैटरी मैंने ले ली है। ये बैटरी बहुत ज्यादा कॉस्टली है, 12,000 की दो बैटरीज मेरे को मिली है। ट्रैक्सस एक्समैक्स के अंदर दो दो बैटरीज लगानी पड़ती है 4 सेल वाली, तो दोनों ही एकदम ब्रांड न्यू बैटरीज है। तो दोस्तों एक्समैक्स को भी मैंने रिपेयर कर दिया है और साथ में X01 को भी मैंने रिपेयर कर दिया है। आज एक्समैक्स की रेस में कराने वाला हूँ X01 के साथ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को बार बार कमेंट्स में बोला था कि इन दोनों के बीच में रेस कराने के लिए। आज इसकी मैं रेस कराने वाला हूँ एक और बहुत ही खतरनाक कार के साथ, वो है रसलर। क्योंकि गाइस ये रसलर रोड के ऊपर बहुत मतलब काफी ज्यादा फास्ट चल सकती है। तो आज रसलर की मैं टगऑफ और पुशबैक भी कराऊंगा ये एटलेस 4x4 कार के साथ, क्योंकि ये कार काफी ज्यादा पावरफुल है। देखेंगे आज इन दोनों में से पुशबैक में टगऑफ में कौन सी कार जीती है। देखते हैं गाइस इसकी स्पीड बड़ी है या फिर नहीं, नई बैटरी नई AC डालने के बाद। अरे गाइस देखो इसके व्हील्स कितने ज्यादा बड़े हो रहे हैं। जैसे ही मैं इसके अंदर फुल ट्रिगर दे रहा हूँ तो पावर के साथ साथ इसकी स्पीड भी बड़ी है, मेरे को ऐसा लग रहा है। गाइस इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा भयंकर हो चुकी है, व्हील्स बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो रहे हैं इसके नई बैटरी नई AC डालने के बाद। चलो गाइस देखते हैं रेस करा के क्या X-Max को हरा पाएगी या फिर नहीं। पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि देखो यार ये इस तरीके से बिली कर रही है। रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, X-Max X-01 बिल्कुल साइड बाय साइड चल रहे हैं। फर्स्ट राउंड में देख रहे हो X-01 कितनी ज्यादा आगे निकल गई है। मेरे को तो ये कार प्रॉपर तरीके से नजर तक नहीं आ रही है। बाप रे इसकी स्पीड सच में गाइस बहुत ज्यादा है। X-Max तो इसके आस पास में भी नजर नहीं आ रही है। तीनों राउंड को यहाँ पे X-01 ने क्लियरली जीत लिया है। अब यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, देखो X-01 के ब्रेक ही नहीं लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ X-Max के ब्रेक देखो एकदम सड़न तरीके से लगते हैं। क्या ही खतरनाक सी रेस थी X-Max यार, इसके आसपास में भी नजर तक नहीं आ रही थी यार। सच में भाई X-01 की स्पीड काफी ज्यादा है। अगर गाइस इसके अंदर मैं अपग्रेड कर दूंगा ना, इसकी स्पीड और भी ज्यादा हो जाएगी। तो अब X-01 की रेस कराने वाला हूँ मैं रसलर के साथ। ओ भाई पावर तो इसके अंदर भी काफी ज्यादा है, ये देख रहे हो गाइस बिल्कुल रसलर X-01 के आसपास में ही चल रही है। इन दोनों के बीच में जस्ट थोड़ा सा ही डिस्टेंस रह गया था यार फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ चुका है, X-01 की स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। क्लियरली X-01 ने रसलर को भी हरा दिया है। मेरे को नहीं लग रहा है कि X-01 को कोई भी कार हरा पाएगी। सिर्फ मेरे दिमाग में एक कार आ रही है गाइस, वो है आर्मा लिमिटलेस। अगर आप इस वीडियो पर 10,000 लाइक करोगे तो मैं आने वाले दिनों में जरूर से इसकी रेस आर्मा लिमिटलेस के साथ जरूर कराऊंगा। और आर्मा लिमिटलेस का प्राइस भी बहुत ज्यादा है गाइस, इससे भी ज्यादा महंगी है वो कार।
अब मैं ऑफ रोड में आ चुका हूँ ये दोनों कार्स के बीच में रेस कराने के लिए। अगर मैं 101 को यहाँ पे रेस कराऊंगा तो क्लियरली 101 हार जाएगी क्योंकि वो एक ऑन रोड कार है। तो इन दोनों के बीच में रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। क्लियरली रसलर पहले आगे निकल गई थी जब मैं मिट्टी पे रेस करा रहा था। आप देखोगे जैसे मैं इन दोनों को थोड़े से उबड़ खाबड़ टेरेन में लेके आ चुका हूँ, एक्समैक्स काफी मस्त तरीके से चल रही है। क्लाइंबिंग भी ये पहले करके आगे निकल चुकी है। अब बहुत ही खतरनाक सा दलदल यहाँ पे आने वाला है। जैसे ही मैंने दोनों को यहाँ पे चलाना शुरू किया, रसलर तो फंस गई यार पूरी तरीके से। यहाँ पे झाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी है कि देखो यार, इतनी बड़ी एक्समैक्स भी यहाँ पे छोटी सी नजर आ रही है, पूरी तरीके से डूब चुकी है गाइस झाड़ियों के अंदर। वहाँ पे कीचड़ कुछ ज्यादा ही यार। यहाँ और थोड़ा सा आगे जाने के बाद कीचड़ बहुत ज्यादा है, मतलब एक इंसान तो यहाँ पे बिल्कुल भी चल ही नहीं सकता है। अब अपनी एक्समैक्स यहाँ पे फंस गई थी, फिर मैंने यार जैसे तैसे करके एक्समैक्स को यहाँ से निकालने की कोशिश की है क्योंकि इसके अंदर नया ईएसई होने के कारण इसके अंदर पावर ज्यादा थी। तो एक्समैक्स काफी आराम से यहाँ से निकल के आ चुकी थी गाइस। क्लियरली आप देख रहे हो एक्समैक्स कितनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और इतने गहरे दलदल में से भी निकल के वापस आ चुकी है। अब मैं एटलस 4x4 को मलबे में चला के देखने वाला हूँ। ये कार की स्पीड थोड़ी सी कम होती है पर इसकी ऑफ रोड परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा तगड़ी होती है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से क्लाइम करके निकल चुकी है। ये मलबा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है यार, इसके अंदर हर एक तरीके की चीज पड़ी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हो इसको मैं चलाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर आकर ये फंस गई है कम्प्लीटली, अभी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। फिर मैंने रसलर को भी चलाने की कोशिश की, रसलर की तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा कम है दूसरी कार के मुकाबले में। ये देखो यार ये तो बिल्कुल भी चढ़ नहीं पा रही थी। फिर मैं लेके आया यहाँ पे एक्समैक्स को चलाने के लिए। देखते हैं गाइस क्या एक्समैक्स ये मलबे में से निकल पाएगी या फिर नहीं। इसके व्हील्स काफी ज्यादा चौड़े हैं और इसके अंदर नया ईएसई होने के कारण इसकी पावर तो भाई एकदम लाजवाब हो चुकी है। बहुत ही आराम से एक्समैक्स इतने खतरनाक से मलबे में से भी निकल के आ चुकी है। मेरे को लगा था गाइस ये भी फंस जाएगी यहाँ पे। अब ये एक 4x4 ऑफ रोड आरसी कार है, देखते हैं गाइस क्या ये कार एक्समैक्स को हरा पाएगी या फिर नहीं पुशबैक में। ये लो भाई साहब, जैसे ही दोनों के बीच में मैंने लड़ाई चालू की है, यहाँ पे एटलस 4x4 पूरी ताकत लगाकर एक्समैक्स को रोकने की कोशिश कर रही थी पर एक्समैक्स के अंदर अभी तक मैंने सिर्फ 20% ट्रिगर ही प्रेस करके रखा है। इतने में ही देखो यार एक्समैक्स ने इसको पूरी तरीके से कुचल दिया है। अरे बाप रे गाइस, देखा ना आप लोगों ने, एक्समैक्स ने इसको पूरी तरीके से रौंद के रख दिया था अपने व्हील्स के नीचे। अब इसकी फाइट कराते हैं एक्समैक्स के साथ, देखते हैं गाइस क्या ये कार एक्समैक्स के सामने टिक पाएगी या फिर नहीं। चलो ओके, इन दोनों को आमने सामने मैंने रख दिया है, अब देखते हैं गाइस कौन जीतता है। यहाँ पे रसलर पूरी कोशिश कर रही थी इसको रोकने के लिए पर एक्समैक्स के अंदर अभी तक मैंने फुल ट्रिगर बिल्कुल भी प्रेस नहीं किया है। इतने में ही देखो यार रसलर की हालत यहाँ पे खराब हो चुकी है और एक्समैक्स वापस से जीत चुकी है। तो अब मैं तगो 4 कराने वाला हूँ ट्रैक्सेस रसलर, 4x4 एटलस और ट्रैक्सेस एक्समैक्स के बीच में। देखो ट्रैक्सेस एक्समैक्स को एक तरफ बांध दिया है मैंने और ये दोनों कार्स को एक तरफ बांध दिया। अब देखते हैं गाइस क्या ये दोनों कार्स मिलकर ट्रैक्सेस एक्समैक्स को हरा पाएगी या फिर नहीं। चलो ये दोनों कार्स ने टीम अप करके पहले एक्समैक्स को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की थी पर एक्समैक्स इतनी ज्यादा पावरफुल है कि देखो यार दोनों को एक घसीट के लेके जा रही है। यहाँ पे एक्समैक्स नजर आ रही है, बाकी दोनों कार ये मलबे के अंदर मिल चुकी है। ओ भाई साहब, इन दोनों की हालत तो देखो यार कितनी ज्यादा खराब हो रखी है। ये देखो गाइस, इसके ऊपर देखो गाइस 4x4 एटलस ने इतनी ज्यादा मिट्टी फेंक रखी है। ओ माय गॉड गाइस, एक्समैक्स यहाँ पे काफी आराम से जीत चुकी है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि एक्समैक्स से भी ज्यादा पावरफुल कार खरीदने के लिए, तो मैंने ऑलरेडी खरीद लिए गाइस। कार का नाम है लोसी DB XLE। तो आने वाले दिनों में उसकी और एक्समैक्स की जरूर से फाइट कराऊंगा, शायद वो कार मेरे पास 2 वीक्स में आ जाएगी। एक बार मैं आपको रसलर की खास चीज बताता हूँ, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। ये कार को आप कितनी भी ऊपर से जंप करा लोगे इसको कुछ भी नहीं होता यार। देखो मैंने इतनी ऊपर से इसको जंप कराया था, अगर मैं एक्समैक्स को इतनी ऊपर से जंप कराऊंगा ना गाइस उसका कुछ ना कुछ टूटेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि उसका वेट काफी ज्यादा है यार। बाकी आप देख सकते हो ये रही लोसी DB XLE फॉक्स एडिशन RC कार जो कि मैंने खरीदा है। ये कार एक्समैक्स से बहुत ज्यादा महंगी है, मैंने इसको 1,80,000 रुपीज में खरीदा है, मेरे पास ये जल्दी आ जाएगी। तो गाइस क्या लगता है आपको, ये कार अपनी एक्समैक्स को हरा पाएगी या फिर नहीं, नीचे कमेंट में मुझे जरूर बता देना। चलो भी मैं दूंगा शाउट आउट। पहला नाम है प्रताप, केशव, प्रयाग, प्रीतम, नमन, सुनील, आदर्श, स्वप्निल, रेहान, दिव्यांश, थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।